हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट पीई रेशो। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो मार्केट्स में आपको इन्वेस्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप मार्केट्स की स्टडी करते हैं, मार्केट मतलब कि शेयर मार्केट की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर आपने ये ज़रूर देखा होगा कि पीई रेशो हम कैसे कंपेरिजन में यूज़ करते हैं। तो आज हम इसको पूरे डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये हमें क्या हेल्प करता है, कैसा पीई रेशो हमें चूज करना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी वो कंपनीज है जहां पे हम अच्छा इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर पीई रेशो क्या होता है। पीई रेशो मतलब होता है हमारा प्रॉफिट अर्निंग रेशो, मतलब कि हमारा जो अर्निंग है, अर्निंग हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, जो है हमारी ईपीएस। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके आप ये देख के आ जाइए कि ईपीएस मतलब क्या होता है। ठीक है, तब आपको समझ आएगा कि पीई रेशो आखिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक जानना रहता है अर्निंग। अर्निंग मतलब कि आखिर हमारी जो कंपनी है वो कितना अर्न कर पाती है। ठीक है, उसके शेयर की वैल्यू आखिर उस खुद जब निकाल दिए तो कितनी है। और वहीं जब हम बात करते हैं कि मार्केट वैल्यू आएगा टर्म, अभी हम आगे जब देखेंगे इसका फॉर्मूला तो आपको ये दो टर्म दिखेंगे। जहाँ पे हमने ईपीएस लास्ट वीडियो में बात कर ली थी, यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब कि हमारा जो शेयर है वो आखिर सामने जो पब्लिक है वो कितने में खरीदने से हमसे रेडी है। मतलब आज अगर मैं बोलूँ कि मेरा ईपीएस है 10 और लोग मुझे देने को तैयार है 50, अब देख रहे हैं मुझे लोग 5 गुना देने को तैयार है मेरे एक 10 रुपए के शेयर के लिए। मतलब मेरा इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, मतलब मेरा जो भी कंपनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्मिंग है, तभी लोगों को इतना ट्रस्ट है, इतना बिलीव है कि जो भी मैं कमा रही हूँ उनको रिटर्न करूंगी वो मैं बहुत अच्छा रिटर्न करूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा है या ये बुरा आपका पीई रेशो है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नहीं बता रही हूँ कि पीई रेशो अच्छा है कि बुरा है। आई एम जस्ट टेलिंग कि ये उसका जो अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी जब अपने बुक से निकालेगी तो 10 आता है, बट लोग मार्केट में उसे खरीदने के लिए 50 में भी तैयार हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये नहीं बताया मैंने कि ये पीई रेशो ही हमारा एक गुड पीई रेशो है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर हम पी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पी ई रेशो होता है हमारा मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट में लोग हमसे हमारे शेयर की जो भी शेयर है हमारी कंपनी के वो खरीदने को तैयार हो जाते हैं, और एक्चुअली उसका कितना हमारा ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, उससे हमें मिलता है पी ई रेशो। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि 50 लोग देने को तैयार है और हम अब जब निकाले कैलकुलेट करके तो 10 आता है, तो मतलब 5 times लोग हमको हमारे शेयर देने के लिए तैयार है। तो यहां से ये पता चलता है कि हमारी इस इंडस्ट्री में कितना अच्छा हमारा एक पोजीशन है। वहीं आप देख लीजिए, मान लीजिए कि आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री में आप अपनी कंपनी चला रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे टीवी। अगर मेरी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका 5 times आता है, वहीं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे, ठीक है, अगर मेरे कोई कॉम्पिटिटर्स होंगे ही, अगर नहीं, जब मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे तो वहाँ क्या होगा, उनका जब हम पी रेशो निकालेंगे तो देखिए कैसे पता चलेगा कि किसका अच्छा है या किसका बुरा। अब देखिए, जैसे इसका ईपीएस हम ले लेते हैं सेम एज इट इज, कितना, ₹100, बट यहाँ पे इसका मार्केट वैल्यू हम ले लेते हैं ₹10 लिया हमने ईपीएस और मार्केट वैल्यू ले लेते हैं 100, तो इनका पी रेशो आपको पता है कितना आ जाएगा, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय ईपीएस आएगा 10। मतलब लोग, ये जो सेकंड कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, वहाँ पे लोग 10 गुना पैसा ज़्यादा देने को तैयार है उनके शेयर के लिए। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कैसे सेम इंडस्ट्री जो भी है कॉम्पिटिटर्स उसके, वहाँ पे कंपैरिजन में ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही है। चलिए तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है पी रेशो की। द प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिसको पी रेशो हम बोल रहे हैं, मेजर्स अ कंपनी शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स अर्निंग पर शेयर। अभी हमने देखा कि कंपनी का शेयर प्राइस मतलब क्या, मार्केट वैल्यू। कैसे मार्केट वैल्यू से हमने कंपेयर कर लिया अपने अर्निंग पर शेयर को। और सेकंड देखिए, इट्स हैंडी फॉर कंपेयरिंग अ कंपनीज वैल्यूएशन अगेंस्ट इट्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस।
यहाँ पे केवल हम जो कॉम्पिटिटर्स थे उनसे ही कंपैरिजन नहीं करते, जबकि जो हम पहले क्या परफॉर्म कर रहे थे और अब आगे हमारा कितना अच्छा हमने एक्सीड किया या हम गिर गए वो भी हमको यहाँ पता चल जाता है अगेंस्ट अदर फर्म्स विद इन इट्स इंडस्ट्री और द ओवरऑल मार्केट. यहाँ पे हमको हर चीज पता चलेगी कि मार्केट में लोग हम पे कितना ट्रस्ट बनाते हैं और लोग हम पे कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं. अब ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशंस कैसे हो जाते हैं. पी रेशो इक्वल टू मार्केट वैल्यू पर शेयर. अभी हमने देखा कि लोग हमारा स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे शेयर, तो वो हमारी मार्केट वैल्यू. और अर्निंग पर शेयर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. चलिए तो यहाँ पे हमने जान लिया कि पी रेशो का मीनिंग क्या होता है और ये कैसे हमको कंपैरिजन में हेल्प करता है. इवन हमने देख लिया फॉर्मूलेस. अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो बिफोर इन्वेस्टिंग अगर आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं जो स्टडी करके करते हैं, तो आप एक पी रेशो को जरूर यूज करते होंगे. ठीक है, तो चलिए अब आप बात करते हैं अबाउट क्या क्या की टेकवेज है हमको यहाँ पे जो देखना चाहिए. आइए, सबसे फर्स्ट होता है अ हाई पी रेशो कुड मीन दैट अ कंपनी स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और दैट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट हाई ग्रोथ रेट्स. अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो इसका एक जेन्युइन मतलब कहते हैं ना कि गुड पी रेशो, जनरली इसका जो गुड पी रेशो कहा जाता है, जो हम कहते हैं कि अच्छा पी रेशो है, वो होता है 20-25 के बीच में. ठीक है कि अगर इसके बीच में पी रेशो है तो कंपनी अच्छी खासी है. बट अगर किसी कंपनी का पी रेशो आता है 40, तो आप समझ रहे हैं कि लोग उसको ओवर वैल्यू करके रखें. ठीक है, जबरदस्ती उस पर लोग उसको बहुत ज्यादा हाई प्राइस में खरीद रहे हैं जबकि उसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है. तो ये जब हम बात करें ना कि हाई पी रेशो, उसका मतलब है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है. वही अगर कोई कंपनी जिसका पी रेशो मान लीजिए 10 है, तो ये मतलब अंडर वैल्यूड है. ये आपको खरीद लेना चाहिए और यहाँ पे आपको बेचना चाहिए क्योंकि लोग इसको ऑलरेडी हाई प्राइसेस में खरीद रहे हैं. तो अगर आपने पहले कभी खरीद के रखा है तो आप सेल कर दीजिए. बट अगर 10 है तो देखिए कम वैल्यू पे हमको पता चल रहा है कि आगे जाके अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो हमको फिर यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए. बट जनरली कहा जाता है कि पीई रेशो जो एक आइडियल पीई रेशो है वो होता है 20-25 पे. चलिए, कंपनीज विथ नो अर्निंग्स और आर लूजिंग मनी डोंट हैव अ पीई रेशो बिकॉज देयर इज नथिंग टू पुट इन द डिनोमिनेटर. जिस भी कंपनी में बंद हो रहा है काम या जिसके पास भी पैसे खत्म हो रहे हैं, उनका पीई रेशो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, बिकॉज आप मार्केट से तो पता लगा लेंगे कि उसकी मार्केट वैल्यू कैसी हो रही है, बट वहां पे आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि उसका ईपीएस कैसे जा रहा है, गिर रहा है. ठीक है, तो डिनोमिनेटर की ये बात होती है. आई होप आपको डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर पता होगा. न्यूमिनेटर मतलब जो ऊपर है और डिनोमिनेटर मतलब जो हम नीचे साइड लिखते हैं, जो कि हमारा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. क्योंकि वहां पे तो कुछ पैसे नहीं बचे, तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आना शुरू हो जाएगा. इसलिए कहा जाता है कि जो भी कंपनी लूज कर रही है या फिर जो मार्केट से बाहर होने वाली है, उसका पी रेशो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज वो नेगेटिव ही आने वाला है. चलिए, पी रेशोज आर मोस्ट वैल्यूएबल व्हेन कंपेयरिंग सिमिलर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री. अभी हमने शुरुआत में ही देखा था कि हमने अपनी टीवी की जो कंपनी है उसको हमारे कॉम्पिटिटर्स टीवी मेकिंग वालों से कंपेयर किया था. तो यहाँ पे ये वैल्यूएशन भी क्या, पी रेशो हमको काम पे आता है. ठीक है, और फॉर अ सिंगल कंपनी ओवर टाइम, या फिर हम जब खुद से ही अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि पहले हम पे जो लोग हैं कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते थे और आज हम पे लोग कितना शेयर को खरीदने पे तैयार हैं, उस पे भी हमको ये हेल्प चीजें हो जाती है. किसके थ्रू, पीई रेशो के ही थ्रू. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि आखिर मीनिंग क्या होता है पीई रेशो का, कैसे हम जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे कंपैरिजन के लिए अपना पीई रेशो यूज करते हैं और एक आइडियल पीई रेशो कैसे फॉल होता है. और अगर पीई रेशो ज्यादा है तो मतलब क्या, ओवर वैल्यूड है. और वही अगर उसका अंडर वैल्यूड है तो मतलब कि जो पी रेशो जो हमने एवरेज बताया था आइडियल, उससे कम है. ठीक है, तो ये सब चीजें देख के हमको कोई भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए. आई होप आपने ये सेशन मेरे साथ एंजॉय किया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि पी रेशो एक्चुअली क्या होता है. एंड इफ यू आर अ कैंडिडेट फॉर JAIB, अगर आप एक JAIB के कैंडिडेट हैं, बैंकर हैं, जिसको देना है May 2024 के एग्जामिनेशन, तो आपके लिए ऑफिसर्स अड्डा 24/7 ने लेके आए बहुत सारे कोर्सेस. अभी मैं आपको कोर्सेज भी बताऊंगी, बट बिफोर दैट अभी चल रही है हमारी होली की सेल, जहां पे आपको मिल जाएगा डबल वैलिडिटी ऑन महापैक और उसी में आपको मिल जाएगा 81% का डिस्काउंट. 81% का डिस्काउंट
कब मिलेगा? जब आप यूज करेंगे ये वाला कोड Y895, बिकॉज इट्स ऑलरेडी मार्च एंडिंग। अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो इट्स अ राइट टाइम, जहाँ पे आप ये होली की सेल से 81% डिस्काउंट के साथ ले लेंगे अपना कोर्सेज। आइए देख लेते क्या क्या कोर्सेज आप लोग के लिए अवेलेबल है। आपको जाना पड़ेगा अड्डा की साइट में, अड्डा 24/7 पे, जहाँ पे ऑल कोर्सेज में आपको दिख जाएगा JAIB का कोर्स। आपको मई 2024 में जाना है। एक है हमारा महापैक, जो अभी आप देख रहे हैं 78%, अभी मैंने बताया होली सेल चल रही है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 81% का डिस्काउंट, और वो भी यहाँ पे डबल वैलिडिटी के साथ। यहाँ पे आपको A to Z फुल फ्लेज चीज़ें तो पहले समझाई भी जाएंगी, उसके साथ अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं भी आया तो यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। उसी के साथ आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस हो जाएंगी, MCQs मिल जाएंगे, ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसी के साथ आप देख लीजिए क्रैश, अगर आपने ना एक बार पढ़ लिया है अपना कोर्स, एक बार अगर कंप्लीट कर लिया और आपको लग रहा है कि एक बार बस मुझे रिविजन चाहिए फटाफट से, तो क्रैश कोर्सेज भी हम लोग लेके आए हुए हैं, जो कि एक बायलिंगुअल में है और एक इंग्लिश में। एंड अगर आपको लगता है कि हमें ना न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा ध्यान देना है, तो डोंट वरी, आप इसी में नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हम लोग सून लॉन्च करने वाले हैं 1 अप्रैल से हमारा न्यूमेरिकल बैच, जहाँ पे प्रियांशु मैम, निहारिका मैम एंड मैं आने वाली हूँ आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल बैच, जो कि हमारे AFM में है। आप थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बैच की डिटेल्स भी मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए। अभी यहाँ पे होली सेल चल रहा है तो अभी 78% दिख रहा है, बट इफ़ यू यूज़ Y895 तो आपको यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा 81% का।